नमस्कार दोस्तों, आप लोग इस समय है झाली धाम बाबा में। चलिए हम आप लोग को दर्शन कराते हैं और पूरा शुरू से अंत तक बताते हैं कि झाली धाम बाबा आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं। यह गोंडा जिले में पड़ता है और जब आप लोग पृथ्वीनाथ बाबा का दर्शन करने जाएंगे तो उसके बाद यहां पर जरूर आएँ। चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले अंदर। ये बाहर के मेन गेट है और इसी के द्वारा हम लोग अंदर चलते हैं और आप लोग देख पाएंगे कि थोड़ी थोड़ी बरसात भी होने लगी है और हम लोग जल्दी से अंदर गेट के चलते हैं क्योंकि बरसात बढ़ गई है बहुत तेज़ एक बार में आ गई। और इस बरसात के मौसम में जब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद में आपको मैं पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। और उससे पहले देख लीजिए, देखिए सामने जो मंदिर आपको दिख रही है भव्य मंदिर जिसमें दो शेर ऊपर से दिखाई दे रहे हैं वो झाली धाम बाबा का मंदिर है जहाँ पर कृष्ण और राधा का मंदिर बनाया गया है। और झाली धाम में जो है बाबा जी रहते थे वो यहीं पर तपस्या वपस्या करते थे, यहीं पर रहते थे। और ये कि सामने जो मंदिर बन रही है ये अभी निर्माणाधीन है, पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन 4-6 साल से बन रही है और अब जाकर बनकर कुछ तैयार हुई है। अभी लगेगा साल दो साल किसी ट्रस्ट के माध्यम से इसको बनाया जा रहा होगा। और आप लोग देख पाएंगे ये झील है जो यहाँ पर मछलियाँ हुआ करती थी, इसमें जो कुछ लोग स्नान भी करते हैं, पहले नहीं करते थे लेकिन पहले भी करते थे, और अब मछलियाँ हुआ करती थी, इनको जो है लाई या कुछ दिया जाता था खाने के लिए। और मैं आपको दिखा दूं कि जो मैं सामने से बाहर से आया हूँ ये बाहर का रास्ता वो जो सीधे गया है वो मेन गेट से, मेन गेट पे मैं खड़ा हूँ वही रास्ता चला आया है अंदर को। और आसपास बाहर का क्षेत्र भी आप देख सकते हैं जहाँ पर कुछ दुकानें लगती हैं वहाँ पर आपको कुछ खाने पीने की सामग्री मिल जाएगी। उसके बाद में जब आप लोग वहाँ से निकलेंगे तो इस गेट से अंदर जब प्रवेश करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत बरसात देखने को इसमें मिल रही है, लेकिन जब आप लोग आएंगे हमेशा नहीं होती बरसात। और देखिए चलिए हम लोग चलते हैं इसके बाद और दिखाते हैं आपको कुछ मंदिर के बारे में और आगे। तो देखिए ये सब लोग बैठे हैं, जो पेड़ अभी दिख रहा था उसके चारों तरफ बैठने का स्थान ये बना, पानी गिरा है उसके बाद भी इस पर पानी सही से जो तेज़ नहीं गिर पाया है। और उसके बाद में एक मंदिर और देख लीजिए जो उनके इस मेन मंदिर के जस्ट सामने ही है, जहाँ पर आप दो तल्ले की मंदिर है और सामने दिखेगा जो राधा रानी का मंदिर है वो जो है पानी वानी लेने का ले जा रही थी, उसीलिए उनका बनाया गया है। और लोग यहाँ पर फोटो वोटो खिंचाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। बैठने का स्थान, घूमने का स्थान बहुत ही दिव्य और भव्य आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद आसपास का क्षेत्र भी देख लीजिए पूरा कि कितने लोग यहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसमें नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम है। पृथ्वीनाथ बाबा का दर्शन आप लोग जब करने पहुँचेंगे तो झाली धाम बाबा का दर्शन ज़रूर करने जाइए, क्योंकि यहाँ पर पहुँच करके आप लोग को जैसे लगता है ना कि वृंदावन में प्रेम मंदिर है तो उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे कम भी मैं नहीं कहूँगा इस क्षेत्र के लिए जिस तरीके से बलरामपुर। चलिए देख लिए मंदिर का दृश्य, थोड़ा सा वहाँ पर जाने के कैमरे की अनुमति नहीं है तो, लेकिन वही मंदिर है मेन मंदिर, वहीं पर सब लोग जाते हैं और अपना पूजा वूजा करके निकल जाते हैं। झाली धाम बाबा का मेन मंदिर आप लोग देख पाएंगे। देखिए लोग मना भी कर रहे हैं कि ना करें फोटो, जिसके बाद मैं आपको चलिए दिखाता हूँ आगे। ये उसके पीछे मंदिर के बाहर निकल आएंगे तो पीछे देखिएगा किस तरीके से महर्षि वाल्मीकि, महर्षि पाणिनि या कुटीर, मतलब हर ऋषि का नाम लिख करके उनकी कुटीर दी गई है कि हर कमरा अलग अलग ऋषियों के नाम पर दिया गया है। और नीचे जो है बैठने के लिए स्थान, भव्य स्थान बना हुआ है जहाँ पर काफ़ी लोग इसमें आ सकते हैं और अपना आराम आराम करते हैं, मंदिर घूमने आते हैं जो यहाँ पर बैठते हैं, या फिर कुछ दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर होते होंगे भव्य कार्यक्रम उसमें भी यह उपयोग में लाया जाता है। और ऊपर जितने भी कुटीर हैं उसमें यहाँ के ऋषि मुनि रहते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ अलग जो पुरातन काल के जो है ऋषि हुआ करते थे वो सब ऋषियों के नाम पर कुटीर जो है बनाया गया है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर अपना गाना वाना गा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जा रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि पूरा मंदिर का जो ग्राउंड या पूरा किस तरीके से सुंदर है। तो आप लोग पत्थर देखेंगे, टाइल्स देखेंगे तो सफाई भी पूर्णता है यहाँ पर, कि सफाई की कोई कमी नहीं है, इसीलिए लोग आना यहाँ पर पसंद करते हैं। देखिए कमल की जैसे जो है इसकी सुंदरता बढ़ा रहे हैं जिसे पत्थर से बनाया गया है, और संगमरमर तो नहीं है लेकिन यहाँ पत्थर से बनाया गया है। और पौधे कितने लगे हैं चारों तरफ, और पौधों को इस तरीके से लगाया गया है कि हर तरफ जो है टाइल्स लगा है लेकिन किनारे किनारे छोड़ दिया गया है। और आप लोग देख पाएंगे कि मंदिर के बाहर चारों तरफ हम लोग चल रहे हैं, ये इसी के अंदर अभी मंदिर थी जहां आप लोग देख पाए। उसके बाद यहां पर लोग देखेंगे, देखिए किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, चाहे नए हों कोई पुराने, कहीं दूर से आए होंगे कोई पास से आए होंगे, और यहां पर फ़ोटो खिंचाने की जो है होड़ लगी हुई है। और मैंने यहां पर एक भी फ़ोटो शायद क्लिक ना कर पाऊँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और लोग यहाँ पर अपना अपना काम कर रहे हैं फ़ोटो खींचने का, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आप लोग देख लीजिए। यही है झाली धाम बाबा का मंदिर और यही है उसका ग्राउंड, और आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो शायद आप लोग को घूमने में अच्छा लगेगा, बैठने में अच्छा लगेगा, टहलने में अच्छा लगेगा। और सामने से देखिएगा तो आप लोग चारों तरफ एक वृक्ष जिनको देखते हैं, इनकी कटिंग भी की जाती है कि वृक्ष बहुत पुराना है लेकिन इसमें जो है पत्ते हमेशा नए नए रहते हैं, उसको डालों को काटा जाता है और हमेशा उसको नया नया बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। सामने जो मंदिर बन रही है उधर
उसको मैं आपको पहले दिखा दूँ। यहाँ पर तमाम लोग अभी घूमने के लिए आ रहे हैं और ये आप देख लीजिए, ये मंदिर सामने बन रही है और ये झील देख लीजिए, यहाँ पर लोग फोटो नीचे भी बैठ के खिंचा रहे हैं, यहाँ पर स्नान भी करते हैं। और ये झील जो है बनाया हुआ नहीं है, ये झील प्राकृतिक रूप से यहाँ पर भाई बहुत सालों से, मतलब जैसे मंदिर बनी है उससे कई सालों से पहले विद्यमान रही होगी, जब इनकी कुटीर रही होगी जालीधाम बाबा की, तब से ये जो है यहाँ का झील ये रहा था। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये भी बन रहा है, कुछ समय बाद जब ये चालू हो जाएगा तब आप लोग यहाँ पर भी जा सकते हैं घूमने टहलने। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो ये पुल बना हुआ है शायद पुराना होता चला जा रहा है, इसमें हो सकता है कि कोई दिक्कत ना आए, भगवान ना करे, लेकिन हाँ आप लोग संभल करके जाइएगा इस पर और ज़्यादा भार लेकर कभी भी मत जाइएगा भविष्य में, क्योंकि अभी ये नया बना है और कभी भी इससे कभी ज़्यादा ज़्यादा आदमी ना जाइएगा। हाँ कुछ तो चलते रहिए, हमेशा दो चार पांच लाइन जो पांच लोग साथ में चलते रहिए तो 10-15-20-50 लोग से ज़्यादा इस पर ना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भविष्य में। और ये एक सुंदरतम गेट बन रहा है उसी के सामने, जो मैं आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग देख लीजिए मंदिर जो है, जो उसके पास एक गेट है, गेट के बाहर दो शेर का जो है बनाया, शेर बनाया गया है, इसको अभी रंगों द्वारा भरा जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और ऊपर मैं इसके दिखाऊंगा जहाँ से सीढ़ी लगी है, देखिएगा आप लोग माता सरस्वती जी की तस्वीर, वहाँ पर तस्वीर नहीं कहूँगा मूर्ति कहूँगा, उनका जो है स्थापना की गई बनाया गया है। और मैं इसके बाद में पूरा मंदिर दिखा चुका हूँ आप लोग, यही ग्राउंड है, यही पूरा मंदिर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यहाँ पर जब भी आइए तो घूमने ज़रूर आइए। और मैं आप इसी के साथ रखता हूँ और थोड़ा बहुत और देख लीजिए इधर उधर, जो कुछ झील है जो कुछ बना है सब कुछ यही है। और झाली धाम बाबा में जब आप आएंगे मंदिर को घूमने के लिए तो महज 1 या 2 किलोमीटर पृथ्वीनाथ बाबा से दूरी आपका पड़ेगा यहाँ पर बस। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे तो मनोहर दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये झील भी है, मंदिर भी है, सब कुछ है। बस मैं इसी के साथ रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झालीना बाबा, जय भोले शंकर, जय महालक्ष्मी।